नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स में सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सिलोलिज्म रहेगा, पॉसिबिलिटी केस रहेगा इसके अंदर। इस वीडियो में पूरा पूरा ये वीडियो सिलोलिज्म का पार्ट 3 है, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ पॉसिबिलिटी का केस डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें बेसिक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं, वो आपको देखना है। पार्ट 2 आइदर और वाला केस है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, क्योंकि मेनली क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं पॉसिबिलिटी का। तो एक क्वेश्चन आता है आइदर और का, एक क्वेश्चन आता है, बाकी 2-3 क्वेश्चन तो बेसिक्स पे ही आते हैं। तो ये दो वीडियोस भी आपको देखने जरूरी हैं, और बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो आइदर और फिर बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, और पॉसिबिलिटी भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए बेसिक वाले वीडियो तो बहुत जरूरी है, तो ये दो के लिंक दे दूंगा मैं, ये दो देख लेना ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ पाए। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन उठाएंगे अच्छा सा, उस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड जितने पॉसिबिलिटी के केस बनेंगे 20-25, में सारे बना के दिखाऊंगा आपको यहीं पे, और एक ही क्वेश्चन से सारे पॉसिबिलिटी के केस हम लोग सीखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब देखो, ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसके ऊपर मैंने बेस्ड 11 पॉसिबिलिटी ये बना दी, इतनी ही पॉसिबिलिटी के केस इसी क्वेश्चन पे मैं और लिखूंगा थोड़ी देर में। तो सबसे पहले इन 11 पॉसिबिलिटीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, अपन ने बेसिक्स के अंदर सीखा हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख लेना भाई, पहले पहले दोबारा बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है सम डी आर ए, तो बना दो सम डी आर ए। फिर बोला है ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए क्या है, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है इसलिए थोड़े छोटे बना रहा हूँ सर्कल। ऑल ए आर बी, यहाँ तक समझ में आया, डायग्राम हमने अच्छे से समझे हुए हैं पार्ट 1 के अंदर। नो बी इज सी, कोई भी बी क्या नहीं है, सी नहीं है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा डायग्राम, यहाँ तक क्लियर हुआ हो तो आगे बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटी में होता क्या है, आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटी ट्रूथ कराने की कोशिश करो। क्या करना है, पॉइंट 1, ट्रूथ, पॉसिबिलिटी सही हो जाए, ट्रूथ नहीं बोल के राइट बोल दो इसको, पॉसिबिलिटी को राइट करने की कोशिश करो कि ये सही है, ठीक है। दूसरा, जो ट्रूथ होता है ना, ट्रूथ इन द सेंस जो हमें स्टेटमेंट में दिया होता है, स्टेटमेंट के थ्रू हम जिसे जिस ट्रूथ को हम लोग डिफाइन कर पाते हैं, वो ट्रूथ कभी पॉसिबिलिटी नहीं होता। क्वेश्चन से समझ जाएंगे आप, ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, सारे पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तो पॉसिबिलिटी को सही कराने की कोशिश करनी है, दूसरा जो ट्रूथ होता है वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं होता। दो बातें याद रखो, अभी क्वेश्चन से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहली पॉसिबिलिटी बोल रहा है ऑल ए बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, यानी कि सारे के सारे ए डी हो जाएं, ये एक पॉसिबिलिटी है क्या? तो अपने को क्या करना है, सारे के सारे ए को डी कर देना है, कोशिश करानी है कि क्या हम लोग कर सकते हैं क्या। डायग्राम में सारे के सारे ए को डी के अंदर घुसा दो, ये जो ए वाला हिस्सा है, जब मैं इस ए वाले हिस्से को इस डी वाले में लाता हूं तो क्या कोई मुझे रोकेगा? नहीं रोकेगा। रोकने वाला कौन होता है, क्रॉस। क्या ए और डी में कोई क्रॉस का रिलेशन है? तो इस ए को मैं डी के अंदर लाऊंगा, कोई मुझे रोकेगा? रोकने वाला कौन होता है, हमेशा क्रॉस होता है, हमेशा ध्यान रखना, रोकने वाला स्टेटमेंट बोलता हूं। क्या इस ए को जब मैं डी में लेके आता हूं, सारे ए को डी में लेके आता हूं, क्या कोई मुझे रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कोई क्रॉस है ही नहीं ए और डी के बीच में, रोकने वाला क्रॉस होता है हमेशा जो यहां पे है। तो रोक ही नहीं पाया, तो मैंने ए को डी बना दिया सबको, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट इज राइट, यानी कि ट्रू। सेकेंड आ जाओ, ऑल बी बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बी, यानी ये बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल, इस सर्कल को मैं उठा के डी के अंदर लाऊंगा, क्या इस बार भी मुझे कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि बी और डी में कोई क्रॉस का साइन है ही नहीं, कोई क्रॉस है ही नहीं इनके बीच में, कोई इनको रोक पाए, तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, ऑल ए बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए को क्या करना है, सी करना है। इस बार देखना, देखो पॉसिबिलिटी कैसे गलत होती है। ये ए है, सारे ए, इसको सी के अंदर ले जाना है, यही तो बोल रहा है। ऑल ए बिंग सी, यानी सारे के सारे ए को सी के अंदर ले जाओ, सारे के सारे ए को सी बना दो। तो ऑल ए बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या इस ए को इस सी में ये क्रॉस जाने देगा?
नहीं जाने देगा, इसलिए ये ए कभी भी क्या नहीं हो सकते, सी नहीं हो सकते, तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट तरीके पे चलो, ऑल डी बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डी को किस में लेके जाओ, सी में लेके जाओ, ये पूरा का पूरा डी उठाया मैंने और सी में ले जाने लग गया, तो ये वाला हिस्सा, क्या ये वाला हिस्सा सी में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या है, ये क्रॉस रिलेशन है, इस वाले हिस्से को ये सी के अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई, क्योंकि मैं सारे डी को सी के अंदर नहीं ले जा पाया, इस क्रॉस ने मुझे क्या कर दिया, रोक दिया। हाँ, ये वाला हिस्सा मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन ये जो शेडेड हिस्सा मैंने डार्क किया है, इसको नहीं ले जा पाऊंगा मैं, समझ गए यहां तक। एक मिनट, दोबारा बना देता हूं मैं इसको, ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये वाला डायग्राम है ए का। पांचवी पॉसिबिलिटी पे आ जाओ, ऑल ए बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, ध्यान रखना आपको क्या दिया गया है, ऑल ए आर बी, अगर सेम स्टेटमेंट, हाँ ऑल ए बी तो है ही इसके अंदर पहले से ही, अगर स्टेटमेंट और कॉन्क्लूजन सेम आ जाते हैं तो ये बात गलत हो जाती है, हमेशा पॉसिबिलिटी गलत मानेंगे। आप बोलेंगे सर ये तो है, हाँ है, लेकिन पॉसिबिलिटी गलत होगी, ट्रूथ हमेशा गलत होता है। क्या डायग्राम में आपको पहले से ही दिख रहा है यार ए तो पहले से ही बी है, ऑल ए आर बी तो पहले से ही, तो इसमें पॉसिबिलिटी कहाँ से आ गई। जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है, मुझे उसका नाम पता है, उसका नाम है मुकेश। अब मुकेश के सामने मुझे पता है वो मुकेश है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस लड़के के मुकेश होने की संभावना है, तो ये तो गलत हो गई ना बात, वो तो मुकेश है पहले से ही, हमें पता है ट्रुथ का। हाँ, अगर वो पीट करके खड़ा होता, मैं उसकी शर्ट देख के आइडिया लगाता कि हाँ यार ये लड़का मुकेश हो सकता है, तब बात सही होती कि हम लोग आइडिया लगाते हैं, क्या पता ये हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन हो सकता है हो जाए, ठीक है। लेकिन वो मुझे कन्फर्म पता है कि ये तो सुरेश ही है, जो नाम है उसका मुझे कन्फर्म पता है, फिर ये बोल रहा हूँ कि इसके सुरेश होने की प्रोबेबिलिटी है, इसके सुरेश होने की पॉसिबिलिटी है, वो तो गलत हो जाती है ना बात। इसलिए जो ट्रूथ होता है उसको कभी भी पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं करते, वो गलत माना जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये ऑल ए आर बी ये तो पहले से ही ट्रूथ है, तो पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे सर ए को बी में ले आए, कोई किसी ने नहीं रोका, हाँ भाई नहीं रोका, लेकिन ये ट्रूथ है पहले से, इस बात को समझो, समझे। नेक्स्ट आ जाओ, अब नेगेटिव पॉसिबिलिटी, ये बोल रहा है ऑल ए नॉट बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि ए और डी सारे अलग अलग होने चाहिए, ए ऑल ए नॉट बिंग डी है, यानी कि सारे के सारे ए डी नहीं हो सकते, यानी ए और डी का अलग अलग डायग्राम होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑल ए नॉट बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। तो क्या ए और डी दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सारे के सारे, क्या ए और डी को अलग कर सकते हो आप, नहीं कर सकते भाई। यहां देखो पॉसिबिलिटी का मतलब, ऑल का मतलब हो गया कि सारे अंदर ले जाओ उसके, ऑल नॉट का मतलब हो गया अलग अलग कर दो, कि सारे ए डी नहीं हो सकते, इसका मतलब ए और डी अलग अलग होंगे। क्या ए और डी अलग अलग हैं या हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो डायग्राम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल बी नॉट बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, कि ये सारे के सारे बी और डी के अलग अलग हो सकते, नहीं हो सकते, फिर से कॉमन एरिया है, ए और डी में भी था और बी और डी में भी कुछ, ये वाला हिस्सा कॉमन है ना, तो क्या इस हिस्से को अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट आ जाइए, ऑल ए नॉट बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, अब देखो ऑल ए, क्या इस ए को बी से अलग कर सकते हो, भाई ये तो पहले से ही अंदर आ रहा है, तो इसको अलग कैसे करोगे, ए और बी अलग अलग नहीं हो सकते, तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी गलत हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाओ, ऑल बी नॉट बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, ऑल बी नॉट बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या बी और सी को अलग अलग रख सकते हो, बी और सी को अलग अलग रख सकते हो, भाई ये तो पहले से ही अलग अलग क्रॉस रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ये तो पहले ही कभी हो ही नहीं सकते थे, तो यहां बोला गया है ऑल बिंग नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, तो इसका मतलब नो बी आर सी हो गया एक तरीके से, तो नो बी आर सी तो पहले से ही ट्रूथ है भाई, पहले से देखो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी,
कुछ लोग बोलेंगे बी और सी तो अलग अलग ही हैं, अलग अलग कर सकते हैं इनको, हाँ भाई कर सकते हो, लेकिन ये ट्रुथ है। ट्रुथ कैसे है कि भाई बी और सी के बीच में क्रॉस रिलेशन है ना पहले से ही, तो ये तो नोट को डिफाइन कर रहा है पहले से ही। हम लोग पहले ही बोल सकते हैं कि नो बी आर सी, कोई भी बी सी हो ही नहीं सकता, तो संभावना में कैसे आ जाएगा वो तो ट्रुथ है ना, तो ट्रुथ है इसलिए पॉसिबिलिटी गलत हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, ऑल ए आर नॉट बींग सी इज ए पॉसिबिलिटी, ये ऑल ए सी नहीं हो सकते भाई, ये तो ट्रूथ है पहले से, ये ए बी का एक हिस्सा है बड़े वाले सर्कल से क्रॉस है, तो ये वाला पूरा ए तो सी पहले से ही नहीं हो सकता, ये तो ट्रूथ बात है, तो ट्रूथ बात है तो ये गलत हो जाएगा। ये जो केस बता रहा हूं ना ट्रूथ वाले, ध्यान रखना, आजकल यही कंफ्यूज कर रहा है, जहां ट्रूथ होता है वहां पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये तो ऑल ए नॉट बींग सी मतलब सारे के सारे ये तो सी वैसे ही नहीं हो सकते, ये तो ट्रुथ बात है, नो ए इज सी तो यहां से सही है, पता चल रहा है हमें, तो ये पॉसिबिलिटी में कैसे आ जाएगा, तो ये बात है। नेक्स्ट आ जाओ, ऑल डी नॉट सी बिंग इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डी सी नहीं हो सकते, ये बोल सकते हो आप, इसको आप सही कर सकते हो, क्या सारे के सारे डी का सी के साथ क्रॉस रिलेशन है? नहीं है, हाँ इससे कुछ का है, लेकिन इसके बारे में तो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, ध्यान से समझना दोबारा। पहले क्या हो रहा था, सारे ए सी नहीं हो सकते, पता चल रहा है डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है, अब बात कर रहे हैं सारे बी सी नहीं हो सकते, वो ट्रुथ थे दोनों चीजें, लेकिन क्या मैं ये बोलूं कि सारे डी सी नहीं हो सकते, क्या ये ट्रुथ है? नहीं है, हाँ ये वाले डी जो हैं, जो सम डी हैं, ये वाले डी जो कॉमन आ रहे हैं, जिसपे मैंने हाथ रखा हुआ है, ये वाले डी तो सी नहीं होंगे, लेकिन इन वाले डी का कुछ पता है क्या हमें? इसलिए सारे डी सी नहीं होंगे, ये ट्रुथ नहीं है, कुछ के लिए ट्रुथ हो सकता है जो मैं बताऊंगा अभी आने वाले टाइम में, इसलिए ये वाली जो लास्ट पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नंबर 11, ये हो जाती है आपकी सही। एक एक चीज को ध्यान से समझ लेना, नेक्स्ट केसेज में बना रहा हूं अभी, ठीक है, सम और सम नोट के, सिंपल सी एक ही बात है, ऑल बिंग आ रहा है पॉजिटिव के अंदर, तो सारे के सारे ले जाके उसमें रख दो, अगर रख पाते हो, कोई क्रॉस नहीं रोक रहा है तो सही है, वरना गलत है। ट्रुथ यहां पे अगर कोई आ जाता है तो वो भी गलत होगा पॉसिबिलिटी के अंदर। नोट के अंदर, ऑल नोट के अंदर दोनों को अलग अलग रख दो, अलग अलग रख सकते हो तो पॉसिबिलिटी सही है, नहीं तो सही नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई बात ट्रुथ आ जाती है तो वो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब इससे ज्यादा इसके अंदर केस नहीं बनेंगे, और ये जो देख लिया ना, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो पॉसिबिलिटी आधा तो हो गया, आधा और करा देता हूं मैं। अब हम लोग कुछ सम और सम नोट वाली पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं सम का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी कि अगर कुछ हिस्सा कॉमन हो सकता है, सम का मतलब मैंने कॉमन ही बताया हुआ है, सम का मतलब यही होता है, सम ए आर बी का मतलब यही तो होता है, ये हिस्सा कॉमन होता है इनमें। अब कुछ हिस्सा अगर कॉमन हो सकता है, अगर हम लोग करवा सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, और ट्रुथ अगर होगा तो वो गलत माना जाएगा। अब देखो यहां बोल रहा है सम डी बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ डी सी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, इस वाले डी को, ये वाला जो हिस्सा है, इसको अगर मैं यहां ले जाने की कोशिश करूंगा तो क्या ये जा पाएगा या क्रॉस जाने देगा? इसको नहीं जाने देगा, लेकिन मुझे तो कुछ हिस्सा ही कॉमन करवाना है, तो क्या इधर वाला ये हिस्सा है इसके साथ क्रॉस रिलेशन है सी का? नहीं है, तो ये वाला डी का हिस्से में से मैं छोटा सा हिस्सा अगर यहां से पिकअप करके सी में ले जाता हूं, तो क्या मुझे कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाए, क्योंकि इस बार सम की बात हो रही है, ओल की नहीं हो रही, तो छोटा सा हिस्सा इस वाले हिस्से में से ले जाके सी में रख दूंगा मैं, तो कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई? सही हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, सम बी बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ बी और सी को कॉमन कराना है, क्या बी का कोई भी हिस्सा छोटा सा मैं कहीं से भी उठा के सी में ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये क्रॉस नहीं ले जाने देगा, डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है, तो गलत हो गया। बोल रहा है सम ए बिंग सी इज ए पॉसिबिलिटी, कि कुछ ए सी हो सकते हैं क्या? क्या मैं कोई भी ए का हिस्सा सी में ले जा सकता हूं? नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये सी क्रॉस मुझे रोक देगा, कोई भी छोटा सा हिस्सा कहीं से भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है, क्योंकि ए बी का ही तो एक हिस्सा है, जब बड़े वाले सर्कल का क्रॉस का रिलेशन, तो इसके अंदर के कहीं भी नहीं जा सकते सी के अंदर, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है सम बी बिंग ए इज ए पॉसिबिलिटी,
ठीक है, तो कुछ बी क्या ए हो सकते हैं? कुछ बी क्या बी और ए में कुछ कॉमन हो सकता है? भाई ये पूरा का पूरा जो ए है ये बी के अंदर कॉमन ही तो है, जो ये पूरा ए है ये बी में कॉमन है, लेकिन ये तो ट्रूथ है ना, ये तो पहले से ही कॉमन है, आपने करवाया थोड़ी इसको कॉमन, ये तो पहले से ही डायग्राम के अंदर ट्रुथ दिख रहा है कि सम बी आर ए, ये तो ट्रुथ है पहले से ही, ट्रुथ है तो ये गलत हो जाएगा पॉसिबिलिटी में, ट्रुथ है इसलिए गलत हुआ है, बाकी कॉमन तो है वहां पे और हो भी सकता है। इसी ट्रुथ के चलते मैं देखो एक स्टेटमेंट और लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं सम ए बींग डी इज ए पॉसिबिलिटी, एक और लिखता हूं सम बी बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, दो कंक्लूजन और लिख दिए मैंने। तो क्या ए और डी में कुछ कॉमन हो सकता है? भाई ए और डी में तो पहले से ही कॉमन है, ये तो ट्रुथ बात है, ट्रुथ है तो पॉसिबिलिटी गलत हो गई। बोलोगे सर सम तो है, सम है लेकिन वो ट्रुथ है इसलिए पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा, यही मैंने समझाया आपको। अब बोलो बी और डी में कुछ सम, सम बी बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ बी डी हो सकते हैं? भाई ये वाला तो कॉमन पहले से आ रहा है ना हिस्सा, ये वाले बी भी तो हैं, तो ये बी और डी में पहले से ही कॉमन आ रहा है, ये सम बी आर डी, ये तो पहले से ही ट्रुथ बात है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ट्रुथ हमेशा पॉसिबिलिटी में गलत होता है। नेक्स्ट आ जाओ, सम ए नॉट बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए डी नहीं हो सकते, क्या ये पॉसिबिलिटी सही है? बिल्कुल सही है, मतलब ये है कि कुछ हिस्सा ए का और कुछ हिस्सा डी का अलग अलग होना चाहिए, क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ए का छोटा वाला ये हिस्सा और डी का ये वाला हिस्सा अलग अलग दिख रहे हैं हमें, अलग अलग हो सकता है। कुछ बोलेंगे सर ये ट्रुथ है, ट्रुथ नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्या कुछ क्रॉस रिलेशन है इसके बीच में? तो कन्फर्म कैसे, अगर मैं बोलता हूँ सम डी आर नॉट ए तो क्या ये सही होगा? अपना बेसिक का वीडियो देखना पहले वाला, उसमें मैंने बताया डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन होना चाहिए तब जाके नॉट ट्रुथ होता है। तो क्या डी और ई में कुछ नेगेटिव रिलेशन ट्रुथ का बनता है? नहीं बनता है। और डी और ए क्या कुछ हिस्सा डी और ए का अलग अलग हो सकता है? तो ये देखो ये हिस्सा अलग अलग है, सम नॉट का मतलब कुछ हिस्सा अलग अलग, पूरा नहीं कुछ हिस्सा अलग अलग, तो कुछ हिस्सा अलग अलग हो सकता है, पूरा भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली ए और डी के लिए पॉसिबिलिटी क्या हो गई? सही हो जाएगी नेगेटिव वाली। अब आ जाओ सम बी आर नॉट डी इज ए पॉसिबिलिटी, सेम टू सेम वही चीज है, क्या ये वाले डी और ये वाले बी अलग अलग हैं? क्या कोई बोलेगा सर ये तो ट्रुथ हो जाएगा, ये वाले डी और बी तो अलग अलग दिख रहे हैं, ट्रुथ नहीं होगा भाई, नेगेटिव कैसे ट्रुथ हो जाएगा? डायरेक्ट कोई नेगेटिव रिलेशन है इसके अंदर? नहीं है, तो नेगेटिव बात ट्रुथ नहीं होगी, वीडियो वन रेफर कर रहा हूं फिर से, तो ये क्या हो जाएगा फिर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ सम ए आर नॉट बिंग, सम ए नॉट बिंग डी इज ए पॉसिबिलिटी, आर वगैरह जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है देख लेना, सम ए नॉट बिंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ए बी नहीं हो सकते, क्या कुछ ए और बी को अलग अलग कर सकते हो आप? अलग अलग तो बोल रहे हैं, सम नॉट का मतलब कुछ ए और बी का हिस्सा अलग अलग होना चाहिए, ये तो ए सारे के सारे बी के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है, तो ए को आप अलग नहीं कर सकते बी से, तो पॉसिबिलिटी नंबर 7 क्या हो गई? गलत हो गई। पॉसिबिलिटी नंबर 8 पे आओ, बोल रहा है सम बी आर नॉट बिंग इज ए पॉसिबिलिटी, इस बार देखो इसमें और इसमें फर्क समझना, इसमें बोला था सम ए आर नॉट बिंग यानी कि ए को बी से अलग करना था, तो ए तो बी से अलग नहीं हो सकते, यहां बोल रहा है सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, बी ए से अलग हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? ये वाले देखो, ये वाला जो कुछ हिस्सा है बी का, क्या ये ए से अलग ही है? तो कुछ पार्ट्स ए के बी से अलग हो सकते हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है? सही हो जाती है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट बोल रहा है सम डी नॉट सी बिंग इज ए पॉसिबिलिटी, बोल रहा है इसको भी ध्यान से देखना है, तीनों स्टेटमेंट बहुत मजेदार हैं, बोल रहा है कि कुछ डी सी नहीं हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर डी और सी तो पूरे अलग अलग बैठे हैं, तो ये तो बात सही हो गई कि कुछ डी और सी को तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन एक बात देखना सम नोट का केस याद करो वीडियो वन से, कि ये वाला हिस्सा क्या कभी सी हो सकता है? तो यहां पे अगर मैं ऐसा लिख दूं सम डी आर नोट सी तो क्या ये सही हो जाएगा? तो ये तो ट्रुथ बात है ना, तो ये पॉसिबिलिटी में कैसे सही हो जाएगी? इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी?
गलत हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारे थे आपके पॉसिबिलिटीज के केस, एक एक स्टेटमेंट और एक एक कंक्लूजन को अच्छे से समझ लेना, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी पॉसिबिलिटी के अंदर। कैसा भी क्वेश्चन बना के देते ऐसे ही चीज़ें बनती है। अब बोले सर सिंपल सा डायग्राम है, एंड में बनेगा ऐसे ही, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।